बचपन से कहावत सुनता हुआ आ रहा हूं कि खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। अगर आप भी मेरी तरह इस कहावत पर अमल नहीं करते तो आपकी जिंदगी में भी कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं, जैसा कि मेरी जिंदगी में आए, जिनके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 2018 में, जब मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी जॉब लगी थी। मैं अपने काम में बहुत अच्छा था, लेकिन जो मेरे मैनेजर थे ना, वो मेरी इस बात से नाखुश रहते थे कि मैं कपड़े कैसे पहनता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से फलसफा ये था कि खाओ मन भाता और पहनो भी मन भाता। मुझसे रोजाना की बुनियाद पर ऑफिस वाली ड्रेसिंग नहीं हो सकती। मैं रहता हूँ खुले डुल्ले कपड़ों में, खुली सी जीन्स, ढीली सी टी शर्ट। मेरे लिए फिट इन होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं खुद सुकून में रहूँ। और फिर मेरा काम भी कुछ ऐसा है कि उसके अंदर भागना दौड़ना बहुत पड़ता है। कभी आपको यहाँ जाना है शॉट लेने के लिए, कभी आप ज़मीन पे लेटे हुए शॉट लेने के लिए, कभी सीढ़ियों के ऊपर भाग रहे हैं शॉट लेने के लिए। तो मेरा काम भी ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्मल ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा कैरी कर सकूं। खैर, मैं आपको अपनी जॉब का बता रहा था कि मुझे अभी जॉब करते हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और हमारी कंपनी को ना एक इवेंट करने के लिए IBA में जाना था, जहाँ पे सारे मीडिया ने आके कवरेज करनी थी। और हमारी कंपनी से 17 लोग गए थे और उन 17 लोगों में से 16 लोगों की ड्रेसिंग ऐसी थी कि अगर वहाँ पे एक मैगजीन शूट हो जाता ना तो सारे के सारे कवर फोटो पे लग जाते। और 17वां था मैच जो कि वहाँ गया था जीन्स और टी शर्ट के अंदर। उस दिन जो मेरे मैनेजर साहब थे ना, उनकी गई हट। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से लेकिन काफ़ी सुनाई, लेकिन उस दिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो इवेंट सुबह सुबह होना था और वो जल्दी से हो गया, और जब वो इवेंट ख़त्म हो गया मीडिया वहाँ पर तब पहुँचा। पूरे इवेंट पे मीडिया था ही नहीं, और उस पूरे इवेंट की कवरेज सिर्फ और सिर्फ मेरे फ़ोन में थी जो मैंने निकाल के मीडिया को दे दी। और रात को न्यूज़ चैनल्स पे मेरे फ़ोन से बनाई हुई फुटेज TV पर चली। और उस दिन मैंने सोचा कि यार आज ही मैंने इतनी ज़्यादा डांट सुनी और इस वजह से कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे, क्या मेरा काम इस चीज़ पर इन्हसार करता है कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए? मेरा काम TV पे चल रहा है, किसी को क्या पता मैंने क्या पहना हुआ था? जो काम मैं करता हूँ वो तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा था ना, और उसका रिजल्ट भी आ गया। वो बहुत अच्छी कंपनी है जहाँ मैं जॉब करता था, लेकिन मैंने वहाँ सिर्फ 3 महीने और जॉब की और उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ के अपना कारोबार शुरू कर दिया। और बहुत सारी वजूहात के अलावा एक वजह मेरा अपना काम करने की ये भी थी कि मैं वो कपड़े पहनना चाहता था जिनके अंदर मुझे सुकून मिले। लेकिन जहाँ मैंने अपना सुकून चुना, वहीं मैंने स्टाइल और फैशन के ऊपर कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि मुझे ये लगता था कि या तो आप ऐसे कपड़े पहन लें जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं, या आप ऐसे कपड़े पहन लें जिसमें आप सारा दिन अपनी टाई संभालते रहेंगे और आपसे कोई काम नहीं होगा। मेरे ख्याल में कोई बीच का रास्ता नहीं था। लेकिन अभी पिछले दिनों मैं तुर्की गया हुआ था और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई अपने ही एक हम उम्र पाकिस्तानी से, जो कि वो भी वहाँ घूमने आए थे। तो अलेक्स अलेक्स के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके पाकिस्तान में बुरमानों के नाम से स्टोर्स हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे स्टोर्स आइएगा और हमारी वैरायटी देखिएगा। तो मैंने कहा यार, बुरमानो नाम सुनकर ही ना इतनी प्रीमियम सी फील आई। मैंने कहा यार ये वही कपड़े होंगे वहाँ पे जिनसे भागकर मैं आया था। लेकिन जब मैंने इनके स्टोर्स विजिट किए तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि इनके पास फॉर्मल कपड़े तो है ही, लेकिन जिस तरह के कपड़े मुझे पसंद है, कैजुअल से, जिनमें स्टाइल तो है ही, लेकिन इनको पहनकर मुझे अपना सुकून भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नहीं लगा। और तो और मैं अच्छा भी लग रहा था। इनके पास मेंस की वैरायटी तो है ही, लेकिन साथ साथ जूनियर्स के भी, लाइक छोटे बच्चों के कपड़े भी हैं, लेकिन हमने बड़ों की ही कैटेगरी में खूब तबाही फेरी। इनके 6 शहरों में स्टोर है। खुद मैं इनके कराची और हैदराबाद का स्टोर देख के आया। जबरदस्त कलेक्शन है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको अपना स्टाइल ढूंढना है तो आप इनके स्टोर एक दफा जरूर विजिट करें। अगर वहाँ मुझको अपना स्टाइल मिल सकता ना, तो मेरे ख्याल में वहाँ कोई भी अपना स्टाइल ढूंढ सकता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुरमानों का, जिन्होंने मुझे अपने स्टोर में आने की दावत दी और इस वीडियो को पॉसिबल बनाया कि मैं हैदराबाद जाऊँ और उनके सारे स्टोर विजिट करूँ। तो थैंक यू सो मच गुरमानो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह करे कि आप सबको भी वो काम मिल जाए जिसको करने से आपको सुकून मिले। और अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला जिसके अंदर आपको 100% सेटिस्फेक्शन फील होती हो, तो अपनी तलाश जारी रखें, हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह आपको भी अपना वो सॉकेट मिल जाएगा जहाँ पे आप परफेक्टली फिट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पर मेरी एक और वीडियो आ रही है वाटर थ्योरी, ये जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए।